तीसरा मोर्चा बन गया ना, तीसरा मोर्चा वो तो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा आपको। अभी भी तीसरा मोर्चा है, अभी भी कांग्रेस के बाद बीजेपी और आरएलपी तीसरी बड़ी पार्टी राजस्थान की विधानसभा के अंदर। बसपा 6 सीट लाई थी, कांग्रेस में विलय हो गया था। आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की विधानसभा का तीसरा मोर्चा है, और देश में 24 सांसद बीजेपी के रहे, 1 सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। देश में भी तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी। दोनों पार्टियों ने आज टिकट जारी कर दिए हैं, लगातार घमासान की स्थिति बनी है, क्या कहेंगे? पर ये तो और घमासान होंगे। अभी तो आप देखना राजस्थान के अंदर इस बार घमासान होंगे, जबरदस्त घमासान होगा। राजस्थान का जो नौजवान इस बार 90 लाख जो नया वोट है वो इस बार आरएलपी पार्टी को वोट करेगा। बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए, जातिवाद को खत्म करें राजस्थान में, गैंगवार की घटनाओं को रोकें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और पेपर लीक की घटनाएं रोकें, माफिया का अंत हो और जवानों किसानों के सपनों का राजस्थान बने, ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं। आदमी है जिन्हें टिकट नहीं मिली, नाराज ऐसे कई लोगों को आपके पास आ रहे हैं क्या? ना कई लोग, मैं ऐसे सबको थोड़ी ले लूंगा, मैं यहाँ कोई भाड़ा थोड़ी भर लूंगा भाड़ा, फिर कांग्रेस बीजेपी मेरे में क्या फर्क है? सबको नहीं, कुछ लोग अगर मजबूत है, और कुछ बीजेपी कांग्रेस ने टिकटें बेची है ऐसा समाचार मेरे पास है, भाजपा की टिकटें बिकी है, बिकी है कुछ बीजेपी की टिकटें बिकी है, वहाँ अगर मजबूत लोगों को नकारा है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसमें वहाँ के लोकल लोगों को पूछ के, पब्लिक को वोट में थोड़ा लोगों को पूछ के जरूर उनको शामिल कराएंगे अगर हमारी स्थानीय इकाई कहेगी। सर आपके सामने भी ज्योति मिर्धा वोट आ रहा है, कांग्रेस से वापिस भाजपा में आई है, कहा ये मजबूत दावेदार है। हाँ तो मजबूती दिख जाएगी आपको, रिजल्ट आएगा। सब मजबूत है, मजबूत कौन नहीं है बताओ मुझे? हर कोई कहता मैं मजबूत हूँ, जिसके 300 वोट आते वो भी कह रहा मैं जीत रहा हूँ, 3000 कह रहे मेरा माहौल है, मेरी हवा है, और हवा निकल जाती है बात में। आपकी पार्टी 100% अगर गठबंधन नहीं हुआ दूसरे दलों के साथ, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य दलों जिनसे हम बात करें, बसपा, दूसरी हमारी बीजेपी, दूसरे जो दल है किसान शोषित पीड़ित ट्राइबल या SC ST के जो यहाँ दल है जो बात करते हैं उनकी, अगर उनसे बात नहीं बैठती तो 200 सीटों पे, और बैठ जाती है तो टेबल टॉक होकर गठबंधन के रस्ते निकल। बीजेपी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, हमने पहले